नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। एक और स्टॉक है जो आपको बोनस शेयर देने जा रहा है, उस स्टॉक के फंडामेंटल्स को हम डिस्कस करेंगे। क्या हमें स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है वो बताता है कि हमें उसमें बोनस शेयर इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बोनस शेयर सिर्फ आपको कोई बेनिफिट नहीं देता, आपके इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं करता, सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर को बोनस शेयर इंक्रीज करता है। तो जब आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा ही नहीं, तो आप बोनस शेयर के लिए क्यों बाय करेंगे कोई स्टॉक? जब तक आपको उसमें ग्रोथ नहीं दिखता है तब तक आपको नहीं करने चाहिए। जब ग्रोथ मिलेगा तभी आपको बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट डिविडेंड जो है वो फायदा करेगा। तो इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को हम डिस्कस करेंगे। क्या फंडामेंटल्स स्टॉक का इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें बोनस शेयर के लिए इस स्टॉक में बाय करना चाहिए या नहीं? अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो जब हम बाय करेंगे तो हमें बोनस शेयर का बेनिफिट मिलेगा, साथ साथ ग्रोथ का भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारा जो स्टॉक है सिल्वर रिटेल लिमिटेड, ये कंपनी करती क्या है? तो ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करता है सिल्वर ज्वेलरी का और उससे रिलेटेड बिजनेस का। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 36.2 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 44 रुपीज का है और कंपनी के शेयर का प्राइस का जो हाई वैल्यू है 44 रुपीज है और जो लो प्राइस वैल्यू है 38.5 रुपीज है। तो कंपनी देखते हैं एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है ये कंपनी का शेयर का प्राइस। और यहाँ पर स्टॉक का पी का बात करें तो 70.9 का है और जबकि इंडस्ट्री का पी है 29.8। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 18.4 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.9 है, फेस वैल्यू कंपनी का 10 है और जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है वो कुछ भी नहीं है, डिविडेंड यील्ड 0% है। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 64.6% है, कोई भी प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है प्लेज नहीं है एक भी शेयर। और अर्निंग पर शेयर की बात करें 3 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा है। प्रॉफिट ग्रोथ की 64.2% प्रॉफिट ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का है जबकि कंपनी पर डेट मात्र 8 करोड़ का है और कंपनी के प्रॉफिट जो है 2 करोड़ का है। तो ये जो माइक्रो कैप कंपनी इसके ऊपर थोड़ा सा डेट कम है। और रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 11.1 करोड़ का रिजर्व है। तो इसी रिजर्व को यूज करने के लिए कंपनी आपको बोनस शेयर इश्यू कर रही है। मतलब जो रिजर्व होता है कंपनी जब वो इश्यू कर मतलब यूज करना चाहती है तो उसके बदले में अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर इश्यू करती है। तो आपने देखा ये कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है, काफी स्ट्रांग है। तो इसका जो बोनस शेयर का जो एक्स बोनस डेट है वो 7 जनवरी 2021 है। मतलब अगर आप 7 जनवरी तक आपके पास मतलब बोनस शेयर के लिए आप स्टॉक खरीद लेते हैं 7 जनवरी से पहले, इस शेयर के एक्स बोनस डेट की बात करें तो वो है 7 जनवरी 2021। अगर आप 6 जनवरी तक स्टॉक खरीद लेते हैं तो आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर बात करें बोनस शेयर के रेशियो का 1:4 है, मतलब 4 शेयर पर आपको 1 शेयर फ्री मिलेगा। तो अगर आपके पास 4 शेयर 1 मिलेगा 400 शेयर है तो 100 बोनस शेयर मिलेगा, 4000 शेयर है 1000 बोनस शेयर फ्री मिलेगा। तो ये है बोनस का रेशियो। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो ये हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसमें आप बोनस शेयर के लिए बाय कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बोनस शेयर के न्यूज़ के कारण काफ़ी मतलब तेजी देखने मिलेगा आपको इसमें 2-3 दिनों तक, आप 2-3 दिन तक जो बोनस शेयर का तेजी होगा उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी ब्रोकरेज देते देते थक चुके हैं, अगर आपका भी ब्रोकर आपसे काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज लेता है, आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको मात्र 20 रुपीज़ पर ट्रेड चार्ज लगेगा, वो भी इंट्राडे में, डिलीवरी में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। साथ ही साथ ये इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है जहां आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, अपना बास्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, कई सारे और नए फीचर्स हैं जीरोधा में जो कि ऐड किए गए हैं। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और अपना जो यूजर आईडी है वो हमें इंस्टाग्राम पर मेल कर दीजिए अपने फोन नंबर के साथ, तो आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप हमारे लिंक से ओपन कर लीजिए, आपको इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सारे टिप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर अपना यूजर आईडी और फोन नंबर अपना जो है मेल कीजिए।